दोस्तों, आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम शर्मिला है और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लौकी का बचका का रेसिपी। दोस्तों, ये बिहार में खाया जाता है, लेकिन गंगा के इस साइड पे ये बनती है। इसी तरीके से हमारे घर में बनती है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जो लोग लौकी नहीं भी खाते वो भी मांग के खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए, इसे बच्चे भी काफ़ी पसंद करते हैं। चलिए बनाते हैं लौकी का बचका। तो इसके लिए मैंने लिया है एक किलो का एक लौकी है। ये आप इसे ले लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा कड़क वाला बीज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको बीज पूरा निकालना रहेगा, अगर बीज रहेगा तो। इसके बाद हम इसे कट करेंगे, तो आपको मैं बताती हूँ कट किस तरीके से करना है। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इसमें बीज नहीं है, हमें एकदम बारीक कट करना रहता है। आपको मैं अच्छे से बता देती हूँ। इस तरीके से एकदम बारीक पतले स्लाइस पहले कट कर लीजिए, उसके बाद उसी को बारीक और कर लीजिए। इस तरीके से इतना बारीक हमें चाहिए रहता है, बहुत ज़्यादा मोटा रहेगा तो अच्छे से पकेगा नहीं जब हम तवे पे डालेंगे, इसलिए हमें इतना ही चाहिए। आप इतना ही पतले काट लीजिए, देख रहे हैं किस तरीके से। अगर आपके पास ग्रेटर है कद्दूकस करने वाला, तो आप मोटे वाले से कद्दूकस कीजिएगा दोस्तों, जिससे अच्छा बने। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो सबके घर में होता है मैंने वही वाला ग्रेटर लिया, लेकिन ये वाला उतना मोटा नहीं होता है, तो आप इससे कद्दूकस नहीं कीजिएगा, उतना टेस्टी नहीं बनता है, एक दूसरे में बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है, जिसके कारण वो अच्छा नहीं आता है। आप देख रहे हैं, इन दोनों में डिफ्रेंस आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ। देख रहे हैं कितना ये अलग सा पूरा बहुत बारीक हुआ है, हमें थोड़ा सा मोटा चाहिए रहता है। इससे जो मोटी वाली आती है उससे आप कर सकते हैं, उससे अच्छा बन जाता है। अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो आप चाकू से कट कर लें, बड़ी ही आराम से कट जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। तो पहले मैं ले रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। ये मैं 1 किलो लौकी का मेज़रमेंट बता रही हूँ, सारा मेज़रमेंट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसी के साथ 1 चम्मच धनिया पाउडर मैंने डाला है। आप अगर लौकी कम ले रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी आप कम कर दें। इसी के साथ मैंने 1/4 छोटा चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मेरी लाल मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी है, आप कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्ची डालें कि आपको कितना तीखा चाहिए रहता है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। आप सिंपल घर में जीरा को भून के पीस लीजिए, ये भी होममेड ही है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच गरम मसाला, ये भी मेरा घर का ही बना हुआ है, आप इसका वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, इसमें टोटल 1 चम्मच नमक गया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चावल का आटा, ये पाउडर चावल का आटा है। घर पे चावल का आटा का भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं। इसमें टोटल 10 से 12 चम्मच गया है चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप 6 से 7 चम्मच चावल को भिगो लीजिए 1 घंटे के लिए, उसके बाद आप पीस के इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ गेहूं का आटा, टोटल इसमें 4 चम्मच गया है, ये रोटी जो घर में बनती है वही आटा है, नॉर्मल आटा। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच से थोड़ा सा कम अदरक लहसुन का पेस्ट, आप देख रहे हैं इतना ही चाहिए हमें। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ धनिया, इससे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, शाम के इवनिंग स्नैक के रूप में आप इसे साइड डिश में भी दाल चावल रोटी के साथ खा सकते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं, और बच्चे को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसे हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि लौकी में अपना भी पानी काफ़ी मात्रा में होता है, तो पहले हम उसी से इसे मिक्स करेंगे, जिससे कि बाद में गीला ना हो जाए। तो थोड़ा सा हमें आटा कम लग रहा था, तो थोड़ा सा आटा हम वापस से डाल देंगे, चावल का और गेहूं का दोनों। इसलिए मैंने टोटल आपको पहले ही बता दिया कि मैंने कितना डाला था, तो उसी के अकॉर्डिंग आप डालिएगा। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बच्चे को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, जल्दी बनने वाली रेसिपी है, तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसे इस तरीके का एक बैटर बना लिया है। आपको मैक्सिमम इसमें 1/4 गिलास पानी लगेगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, मतलब कि 6 से 7 चम्मच। आपको बिल्कुल ऐसा बनाना है बैटर, ना ही पतला होना चाहिए ना ही गीला होना चाहिए। इसमें देख रहे हैं ना ही ज़्यादा आटे की क्वांटिटी है ना ही ज़्यादा लौकी की क्वांटिटी है, बिल्कुल एक अच्छा बाइंडिंग हो रहा है, जिस तरीके से हम पकौड़ा बनाते हैं बिल्कुल उस तरीके का आपको रखना है।
इसके बाद हम इसे पकाएंगे, तुरंत ही हमें पकाना रहेगा, इसे हमें रेस्ट पे रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने तवा ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ तेल, 4 चम्मच में पहले तेल डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल का यूज़ किया है, आप कोई भी तेल का यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, तेल हमारा गर्म होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बचका हमारा पलटेगा नहीं। आप लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से मैंने अपने लौकी के बचके के लिए बैटर को ले लिया और इसे इस तरीके से हम तवे पर रख के फैलाएंगे। आप देख सकते हैं, आपको इस तरीके का हैबिट नहीं है क्योंकि हम लोग को आदत होती है, हम हर तरीके से इसको बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम बनाते हैं इस तरीके का। तो आप एक कलछी का भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल जो घर में कलछी होता है उसको, उसमें आप बैटर को लीजिए इस तरीके से और इससे आप हल्के प्रेस करते जाइए और फैलाते जाइए। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, पतला ही रहता है ये, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप ये पूरा प्रोसेस मीडियम फ्लेम पे आप इसे पकाइएगा और इसे पकने में आपको एक बैच को 3 से 4 मिनट लगेगा और तवा आपका जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा एक बार में इसमें आ जाएगी, उतनी ज़्यादा क्वान्टिटी इसमें एक बार में बन जाएगा। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसे आप दाल चावल के साथ में, साइड डिश में भी खा सकते हैं, रोटी के साथ में भी खा सकते हैं, आप इसे इवनिंग के स्नैक में भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बच्चे को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। जब थोड़ा सा देख रहे ऊपर से थोड़ा सा ये सूखा सूखा सा लग रहा था, उसके बाद मैं इसे पलट रही उस तरीके से, देख रहे हैं वो गीला बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप इमीजिएटली इसे पलटने की कोशिश नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा इसे इस तरीके से हार्ड होने दीजिएगा, उसके बाद ही आप पलटिएगा। अंदर से थोड़ा सा गुलाबी कलर हो गया है और इसे दोनों साइड से आपको पलटते हुए पकाना है और आपको इसे मीडियम फ्लेम पे कीजिएगा, हाई फ्लेम पे नहीं कीजिएगा, नहीं तो लौकी आपका पकेगा नहीं। देख रहे हैं कितना सुंदर इसका कलर आ रहा है। मैं इसीलिए ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर में सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसके लिए मैं इसे बना रही हूँ, मेरा बच्चा भी बहुत अच्छे से खाता है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए। देख रहे हैं हमें इस तरीके का चाहिए, दोनों साइड से जब ये गोल्डन कलर हो जाएगा उसके बाद हम इस तरीके से निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा तेल हम इस तरीके से साइड करते हुए इसका निकाल लेंगे और इसे टिश्यू पेपर पर रख देंगे जिससे कि इसका एक्स्ट्रा तेल और भी निकल जाए। इसी तरीके से मैं बाकी सबको भी निकाल लूँगी और इसी तरीके से मैं बाकी सभी को बना भी लूँगी। बीच में तेल कम पड़ेगा तो आप इसमें डालते जाइएगा जिससे कि बहुत ही अच्छे से बन जाए। आप इसे बनाइए, खाइए, हमारे इधर ये काफ़ी सारी चीज़ों के साथ बनता है, तो आगे के वीडियो में भी मैं आपके लिए लाते रहूँगी कि किन किन चीज़ों के साथ इसे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी, जो सब्ज़ी कोई नहीं भी खाता है वो भी खा लेगा। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये बन के रेडी हो गया। मैं आपको एक तोड़ के बताती हूँ कि कितना अच्छा बनता है, ये मेरा वादा है कि अगर आप बनाइएगा तो आपके घर वाले इसे मांग मांग के ज़रूर खाएँगे, इतना अच्छा ये बनता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबा लें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले